अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुशबाद रखे जी। आज मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, यखनी वाला, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। ये हमारे पास चिकन है, ठीक है। ये 1.25 किलो की चिकन है, 1.25 किलो जिसको 3 पाव कहते हैं। ये 3 पाव चिकन है, ठीक है। ये 1 kg चावल हैं, ठीक है। चावल मैंने ये वाले लिए हैं, ये 100 रुपीज़ वाले, ठीक है। ये बड़े अच्छे बन जाते हैं घर में। तो ये 2 चम्मच मैंने मिर्ची डाली हैं, ठीक है। ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने ना इसमें नमक डाला है। नमक मैं बाद में फिर दोबारा चेक करूँगा। ये लहसुन है, ये लहसुन को मैं ऐसे ही यखनी में डालूँगी, ठीक है, फ्लेवर के लिए। इसको मैं छीलूँगी, इसको अच्छी तरह धो के फिर यखनी बनाएंगे आप। ये 2 मैंने प्याज ली हैं, ठीक है, ये 2 प्याज जी। गाइस अब मैं प्रेशर में ये चिकन डालने लगी हूँ, ठीक है। प्रेशर में यखनी बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैं प्रेशर में बनाती हूँ, ठीक है। और ये वाले मसाले जो मैंने आपको बताया था सब फिलहाल भी यही डालेंगे, बाकी मसाले बाद में डालूँगी। लाल मिर्च, हल्दी और ये नमक है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा ये मैं थोम डालने लगे ऐसे, ठीक है। इसको मैंने धो लिया, अब मैं इसको डालूँगी। अब मैं इसमें तकरीबन 4.5 गिलास पानी डालूँगी यखनी के लिए, ठीक है। जब यखनी हमारी तैयार होगी तो 3.5 गिलास तैयार होगी, ठीक है। इसमें हमें 3.5 गिलास यखनी चाहिए, इसलिए मैं 1 गिलास से ज़्यादा डालूँगी। मैंने इसको बस ज़्यादा वेट नहीं लगाना, सिर्फ 3 और 4 मिनट, 3 से 4 मिनट बस, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 4.5 गिलास, ठीक है। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी 3 से 4 मिनट, और फिर मैं आपको प्रेशर जब लग जाएगा, जब यखनी बन जाएगी, फिर आपको दिखाऊँगी। अब एक साइड में मैं चावलों के लिए प्याज ब्राउन करूँगी, ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊँ, लॉन्ग वीडियो लेके आती हूँ। पर आप लोग ज़्यादा मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं पसंद करते। मेरा ये मकसद होता है कि मैं लॉन्ग वीडियो इसे लेके आती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह सीख सको। जैसे मैं बनाती हूँ, ये बनाती तो मैं आम चीज़ें ही हूँ, आप लोग कहते हो कि इसमें कौन सा खास है, पर ये भी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। अपने अपने सबके तरीके होते हैं, अगर इंसान किसी का तरीका देखे, उसको नोट करे, उसको कैरी करे, तो आप क्या पता आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। मैं इसलिए ये लेके आती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आती होगी। इंशाल्लाह आप लोग लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है। मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। बस मैंने आपसे ये पूछना, हाँ मैंने ये भी कहना था, पूछना था कि गाइस आप लोग मुझे बताओ कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाया करूँ या शॉर्ट वीडियो। आपको अगर मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती तो मैं फिर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, मैं फिर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए करती हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगे मैं वो काम करूं, ठीक है। मुझे अब लाजमी बताना, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाऊं या लॉन्ग वीडियो बनाऊं, ठीक है। मैं इसका प्रेशर लगाती हूं जी। गाइस मैंने पीले में ऑयल डाल दिया और मैंने तकरीबन 1.25 कप लिया है, ठीक है। इसमें मैं ये 2 छोटे साइज़ के प्याज डालूँगी, आप एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने कई छोटे प्याज दिए थे जो मैंने आपको दिखाए भी थे, वो वाले मैंने इसमें ऐड किए। और मैं इसको प्याज को ब्राउन होने दूँगी, ठीक है। उसी देर तक हमारी वैसे रखाओ मैंने, ठीक है। तो उसी देर तक हमारी जितनी तैयार हो गई, तो तब तक हम लोग प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्याज ब्राउन होंगे, अभी मैंने अभी मैंने किए थे प्याज, अभी थोड़ा सा 5 मिनट या 7 मिनट लगेंगे प्याज ब्राउन होने में। उतनी देर में हम हरी मिर्च को काट लेते हैं। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए, मैंने ज़्यादा ब्राउन किए, इससे कलर बहुत अच्छा था। ये देखिए मैंने टमाटर डाले हैं और हरी मिर्चें हैं। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं और हरी मिर्चें 8 से 10 हैं, ठीक है। ये मैं डालूँगी, इतना मज़ा आता है जब अच्छा होता है। अच्छा लगता है, और मैं इसे थोड़ा सा पानी डालूँगी, ऐड करूँगी। इसको 5 मिनट के लिए ना ढक्कन लगा के इसको मीडियम आग में रखूँगी, ठीक है। तब तक हमारे ये टमाटर गल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको बस 5 मिनट के लिए दम रखने लगी मीडियम जी। गाइस ये देखिए मसाला भून रहा है, कि मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम में लगाया, तो देखिए अभी टमाटर थोड़ा सा और इसको भूनूँ मसाले को, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर ना चिकन डालती हूँ, चिकन को भी साथ भूनूँ, ये भी चिकन डाल। ये देखिए गाइस माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। मैंने चिकन बॉयल किया था, बॉयल का मतलब कि मैंने जब भी बनाया तो उसमें मैंने चिकन को निकाल लिया, जिसमें ये पड़ी है, ठीक है। और मैं चिकन को अच्छी तरह भूनूँगी। अब इसमें गर्म मसाला, कुछ धनिया और बिरयानी मसाला इसमें डालूँ। ये देखिए लहसुन मैंने पता निकाला नहीं, अब इसको जब मैं दम दूँगी तब निकालूँगी, ठीक है। लेकिन अच्छी तरह से भूनूँगी। अभी मैं इसमें मसाला ऐड करने लगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाला भून है, ये देखिए कुछ धनिया है, ठीक है। गर्म मसाला है, कुछ धनिया 1 चम्मच है, गर्म मसाला 1 चम्मच है,
और एक चम्मच बिरयानी मसाला है, ये मैं चावल में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको भी थोड़ी सी 5 मिनट से उसको भूनेंगे हम। ठीक है, 3 मिनट जख्मी डाल दूँगी और फिर मैं चावल डाल दूँगा। तो बस फिर मैं जब जख्मी डालूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैं इसको भून लूँ 5 मिनट भूनूंगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये बोलें कि चावल बनाना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। अगर इंसान कोशिश करे तो सब कुछ इंसान बना सकता है। मेरे पास जो घर में होता है मैं उससे खाना बना लेता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा ये नहीं है वो नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि इजी रेसिपी आपके सामने लेके आऊँ, जो घर में आपके पास हो उससे आप रेसिपी बना सकें, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। जो मेरे पास जो भी घर में होता है मैं उससे बनाती हूँ, मैं भी लेके आ सकती हूँ, मुझे भी वो चीज़ें भी आती हैं। मैं बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकती हूँ इस बिरयानी इस पुलाव में, पर मैंने ये मेरा चैनल होता है, ये इजी रेसिपी का है, इसे मैं बहुत इजी आसान तरीके से सिखाती हूँ, ताकि हर कोई बना सके, जिसको नहीं भी आता वो भी बना सके। ठीक है, मैं इसमें यखनी ऐड करने लगी। जी गाजी, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया, इसमें मैंने यखनी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा पानी को, ये देखो बॉयल आ रहा है। अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। ठीक है, मैं अभी चावल डाल दूँ इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें गाइस, इसमें चावल डाल दिए, अब मैं इसको मिक्स करके इसको ढक्कन दे दूँगी। ठीक है, जब तक पानी खुश्क नहीं होगा। अभी मैं नमक भी इसमें चेक करती हूँ, नमक कम हुआ तो मैं नमक और डाल दूँगी। ये देखें गाइस, माशाल्लाह अभी थोड़ा सा पानी है, इसको 5 मिनट के लिए और मैं ढक्कन दबा दूँगी। मेन ये देखिए मैंने ना फुल चूल्हे की आग की हुई है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट तक पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसको दम दे दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं दम दूँगी। देखो धुआँ बहुत सारा है, शायद आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहे। आम कैसे, ये देखिए आए नज़र बिग राइस, ये देखिए राइस माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। देखिए देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लुक आई चावलों की, हमारे चावलों की देखिए सोते की लुक वाले चावल है। इन शाह देखना कितने खिले खिले चावल पकेंगे। अब इसे मैं 3 हरी मिर्च डालूँगी। ठीक है, अब मैं इसको दाम देने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी आपके सामने अल्लाह की कुदरत, देखें कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ हल्की नहीं होती। आप ज़रूरी नहीं कि आप 200 वाले 250 वाले 150 वाले चावल खाएं, ये वाले चावल भी आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह तआला बहुत ज़बरदस्त बने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो खोल दिया मैंने। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, बताएँ खिला खिला चावल है कि नहीं है। ये देखें, ये देखें आए नज़र, ये देखें। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खिला खिला चावल है, मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, कोई भी चीज़ ये मैं इसको मैं निकाल लें। ठीक है, इसको मैं निकाल लें। ये देखो मसालेदार यखनी पुलाव तैयार, अभी डिश आउट करके दिखाते हैं हम आपको। जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। देखिए कितने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, कितना ज़बरदस्त लुक है। मसालेदार यखनी पुलाव, चिकन पुलाव, कितना ज़बरदस्त है, इसको आप जो मर्ज़ी नाम ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह की शान। ठीक है, ये अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इससे थोड़ा सा लेती हूँ। देखिए चावल देखिए आप कितने खिले खिले अलग अलग चावल हैं कि नहीं है। देखो ये सबसे नॉर्मल चावल मैंने पकाया है, तो अच्छे वाले चावल तो हर कोई पका लेते हैं, ऐसे चावल कोई नहीं पकाता। ये देखें, मैं हमेशा वो काम करती जो कोई ना करे, और ये रेसिपी सिर्फ मेरी होती है, सादिया लाइव विद सादिया स्टाइल। ठीक है, मैं भी आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। टेस्ट करने लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं। ठीक है, मसालेदार चिकन पुलाव बहुत कमाल का बना है। गाइस आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ये सब मैं आपके लिए मेल करती हूँ और मैं लॉन्ग वीडियो लेके आती हूँ, ताकि आपको एक एक स्टेप की समझ आए। गाइस मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप मुझे लाजमी ये बताएं कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाया करूँ या लॉन्ग वीडियो, क्योंकि आप लोग बहुत कम आते हैं मेरे वीडियो में, तो जो आपको अच्छा लगे मुझे बताएं, तो मैं फिर उस मुताबिक मैं वीडियो बनाया करूँगी। ठीक है, तो हमें याद रखना मुझे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।